वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल समरीन गैलरी और यहाँ मेरी मेहंदी देखो यार कितनी सुंदर लग रही है ना लाल भी हो गई है अच्छी लग रही है फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है मॉइस्चराइजर यहाँ पर मैं जॉय का फ्रूट वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप एलोवेरा यूज कर सकते हो फिर एलोवेरा जेल वगैरह यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट मैंने यहाँ प्राइमर लिया है अचार का उसके बाद यहाँ मैं कलर करेक्टर ले रही हूँ और ये इनसाइड की है और इसमें मैं पीच कलर ले रही हूँ क्योंकि ऑरेंज कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो आप बट पीच वाला क्या होता है ना बहुत लाइट वेट होता है तो इसलिए इजी हो जाएगा आपको मतलब जब आप ब्लेंड करोगे कंसीलर वगैरह तो अच्छे से हाइट हो जाएगा आपका डार्क स्पॉट तो जहाँ जहाँ था मेरा जरूरत वहाँ वहाँ मैंने लगाया उसके बाद यहाँ पर मैंने मेब्न सुपर स्टे फाउंडेशन लिया है और अच्छे से, से डैबिंग मोशन में डैब डब करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अभी ये थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है थोड़ी देर में ये ऑक्सीडाइज़ हो जाता है इस इसलिए बिल्कुल भी फिगर करने की जरूरत नहीं है फिर यहाँ पे मैंने स्विस् बी का कंसीलर ले लिया और ये कंसीलर एक नंबर है यार मतलब बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छी कवरेज है इसकी इसमें मेरा शेड है ज़ीरो टू अब मैं वही इन साइड के पैलेट से ले ले रही हूँ ये कॉन्टोर का शेड क्रीम कॉन्टोर करूँगी आज मैं और पाउडर भी करना है बट पहले क्रीम कर लेना है और अच्छे से यहाँ पर नोज़ वगैरह सब में मैं लगा ले रही हूँ और उससे ब्लेंड करना इतना ईजी है ना इस मक्खन की तरह ब्लेंड हो जाता है ये बहुत अच्छा है आप लोग भी इसे ले सकते हो बाई कर सकते हो दो ढाई सौ रुपये में मिल जाता है बहुत अच्छा है तो यहाँ हो गया हमारा कॉन्ट्रोलिंग अच्छे से हो गया अब हम मैंने ले लिया है कंसीलर और कंसीलर को मैं थोड़ा सा अपने कॉन्ट्रोल लाइन के ना नीचे मतलब कट करूँगी ताकि शार्प लगे मेरा कॉन्ट्रोल लाइन उसके बाद यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ यहाँ पर मैंने वाइट ऑन का पाउडर लिया आप चाहो तो कोई भी लूज पाउडर ले सकते हो मैंने वाइट ऑन लिया पॉन्स का भी आप ले सकते हो फिर यहाँ पर मैंने अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ और ये आईब्रो पेंसिल है इन साइड की और बहुत अच्छी मेरी फेवरेट है इसमें शेड मेरा था डार्क ब्राउन ग्रे कलर भी आता है वो भी बिल्कुल मैच करता है हमारे आईब्रोज से वो भी ले सकते हो आप फिर मैंने यहाँ पर डस्ट आउट कर दिया एक्स्ट्रा पाउडर को और यहाँ पर मैंने एच की ली है आई शेडो पैलेट लिया है मैंने बट इससे मैं कॉन्ट्रोलिंग करूँगी पाउडर कॉन्ट्रोल करूँगी इस वाले शेड से ब्राउन शेड से और कॉन्ट्रोलिंग करनी बहुत जरूरी है क्योंकि आपका फेस बहुत अच्छा मतलब तो एक कट मिल जाता है आपके फेस को और बहुत अच्छा लगता है देखने में तो मेरा थोड़ा सा चबी फेस है इसलिए मुझे कॉन्ट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है बाकी डबल चिन वगैरह जॉलिंग पे जरूरत नहीं पड़ती है बट चीक्स पे मुझे पड़ती है क्योंकि मेरे चीक्स थोड़े गुल्लू मुल्लू से है इसलिए छब्बीस से फीस है इसलिए यहाँ पर मैंने उसी शेड उसी पैलेट में से ले लिया है हाई हाईलाइटर का नहीं यार मतलब ब्लश का शेड ले लिया मैंने ब्लश लगा लिया पीच कलर का अभी जो मैंने शेड दिखाया था ना आपको उससे मैं अपने पूरे आईज पे अच्छे से लगा लूंगी अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा इस देवदास में जो ऐश्वर्य रहे हैं ना उनके आईज पे बिल्कुल मतलब मैट सा लुक रहता है ज़्यादा कुछ मतलब मेकअप मैंने देखा नहीं आई में इसलिए मैंने उसी हिसाब से किया बट अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप लोग मुझे बताना क्योंकि मैं सेकेंड लुक भी लेकर के आऊंगी उनकी शादी के बाद वाला और यहाँ पर मैं लाइनर लगा रही हूँ पहले मैंने पतला सा लाइन लगाया था फिर मैंने वीडियो जब देखा मतलब उनका फोटो जब देखा तब मुझे याद आया कि थोड़ा सा मोटी लाइनर लगानी है क्योंकि उन्होंने बहुत मोटी लाइनर लगाई है और बहुत ज़्यादा विंग लगाई है मतलब उनका विंग बहुत ज़्यादा मतलब मतलब खींचा हुआ था तो मैंने मैंने उसी तरह से से कर कर लिया उसके यहाँ कर कर यहाँ लिया उसके बाद पर पर की को फिर का ले और ये भी बहुत अच्छा मैं जैसा है ना मतलब उससे भी अच्छा है शुगर पॉप का आप कर सकते हो मतलब जितने भी मस्कार किया है ना सारी मेरे फेवरेट बन चुके हैं यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ की जरूरत है अपर लिप्स पे लगाना है चीनी पे लगाना है और चाहो तो आप अपने कॉलर बोन पर भी लगा सकते हो क्योंकि वो भी थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर मैं नेक थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने कॉलर बोन पर लगाया आइस में मैंने एक व्हाइट काजल लगा ली है और यहाँ पर मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर ले रही हूँ अपने हाथों से मतलब फिंगर की हेल्प से और यहाँ पर ब्रॉबोन को भी हाईलाइट कर लिया है देन अब यहाँ पर सेटिंग स्प्रे मैं एच की यूज़ कर रही हूँ डैप डैप करके अच्छे से स्किन पर ऑब्जॉर्व कर लेना है ऐसे अब मैंने आर एन सी का लिप लाइनर लिया है जो मेरे आर एन सी मेकअप किट जो था उसमें ये लिप लाइनर था बहुत अच्छा शेड है इसका बिल्कुल ब्राउन टाइप का कलर है इसका तो ये लिप लाइनर अच्छे से मैंने अपने फेस फेस नहीं सॉरी अपने लिप्स पे लगा लिया है अब यहाँ पे मैं रेड कलर का ये लिपस्टिक ले रही हूँ इसका शेड है जीरो सिक्स और ये किस ब्यूटी की है बट ये मुझे नहीं लगता है ये कोई ब्रांड है क्योंकि मैंने फिफ्टी रुपीज़ में लिया था संडे मंडे से से बट इसका जो मतलब कलर है ना बहुत अच्छा है बट बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा मतलब लग रहा था इसका कलर एकदम हैवी सा लग रहा था इसलिए मैंने एक न्यूट कलर इसके ऊपर से भी लगा लिया वो भी फिफ्टी रुपीज़ की लिपस्टिक है तो यहाँ मेरा मेकअप डन हो गया अब फटा फटाफट से मुझे अपना हेयर करना है जो भी हेयर का मैं बनाऊंगी मतलब बहुत ही सिंपल सा उन्होंने लगा था मैं भी सिंपल से ही रखने की कोशिश करूंगी यहाँ पर चूड़िया मेरी अम्मी ने सेट करके मुझे दे दी थी तो फटाफट से इसे पहन लेती हूँ और चूड़ियाँ कैसी लग रही है बताना आप लोग मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी अब यहाँ पर मैं अपने बालों को पहले अच्छे से कॉम कर लूँगी देन उसके बाद आपको मिल पार्टीशन में अपने बालों को ले लेना है और यहाँ से मैं बालों को लूँगी और थोड़ा सा मतलब लेना है और आपको इस तरह से क्लिप लगा देना है कुछ मैंने नहीं किया सिंपल से बालों को अपने पकड़ा है और हाथ से ही हेल्प से, से उसे सही किया देन क्लिप लगा लिए हैं तो उनका भी ऐसे ही होता है सेकेंड लुक जब मैं करूँगी ना बाल को कर्व वगैरह करूँगी अच्छे से और अच्छा हेयर स्टाइल करूँगी बट अभी मैंने सिंपल रखना ही मतलब ज़रूरी समझा इसलिए मैंने सिंपल रखा है आप चाहो तो आप कोई और भी हेयर स्टाइल कर सकते हो बट मुझे इस लुक के हिसाब से ये स्टाइल सही लगा फिर मैंने चेन पहन ली और फिर दो झुमके थे मेरे पास मैं कन्फ्यूज़ थी कौन वाला पहनूँ दो नहीं और भी थे बड़े बड़े बट मैंने दो ही चूज़ किए थे फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये पहन लिया देन लास्ट में मैंने बिंदी लगाई बिंदी उनकी बहुत बड़ी बड़ी सी थी मेरे पास बड़ी वाली है बट मेरे फेस पे ना सूट नहीं करती मैंने छोटी वाली लगाई नेक्स्ट टाइम बड़ी वाली लगा लूँगी तो ये है मेरा फाइनल लुक और आप लोग बताना कैसा लग रहा है उस टाइप का लुक टर्न आउट होकर के आया है या नहीं आया है और ये मैं पोज देते हैं मतलब थोड़ी बहुत म्यूज़िक के साथ आप लोग सुन लो और गईस मैंने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी तो मुझे याद नहीं था अलता का फिर मैंने लिपस्टिक लिया लिपस्टिक से ही मैंने अलता लगाया अच्छे से आप लोग देख लो मैंने रेड लिपस्टिक लिया रेड लिपस्टिक से ही अच्छे से अपने हाथों पर अलता लगा ली क्योंकि आगे मेरी मेहंदी लगी हुई नहीं थी तो मैंने सोचा चलो आगे ही हाथों का लुक कर लेते हैं जिस तरह से उनका था मतलब और इससे ना अलग से ही लुक आ जाता है बिल्कुल बैगोई लुक लगता है अलता से ही कंप्लीट होता है तो ये लग चुका है अलता बताना कैसा लग रहा है मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा मतलब उसके बाद गई मैंने थोड़े बहुत पोजेस दिए थमनेल के लिए जो मुझे परफेक्ट लगेगा वो मैं एडिट करके डालूंगी इसलिए मैंने लिया और ये मैंने ना बहुत ही प्यारा सा कैंडल था वो भी मैंने जला लिया था और मेरा मेकअप सामने से देख सकते हो बिल्कुल भी केक ही नहीं है कुछ प्रॉब्लम नहीं है बहुत अच्छा मेकअप हुआ है और फ़ैन ऑफ था सोचो बहुत ज़्यादा पसीने ही मुझे आ रहा था फिर भी मेरा मतलब लुक बिल्कुल भी कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ तो ये जैसा मैंने मेकअप किया वैसे ही आप लोग भी करना और थोड़ा बहुत मैं इस तरह का पोज दे रही थी बड़ा ही मतलब अच्छा लग रहा था मुझे तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताने ये लुक आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ये वीडियो शूट करी है इन ये तो मेरा मतलब पारो के जो शादी के पहले का लुक था वो मैंने किया है उसकी शादी के बाद वाला लुक भी बहुत जल्दी मैं क्रिएट करूँगी और मुझसे गड़बड़ी ये हो गई कि मैंने मेहंदी लगा लिया था वरना मैं इस तरह से जो लिपस्टिक का मैंने आगे लगाया वैसे मैं पीछे भी लगा सकती थी तो ज़्यादा अच्छा लुक आता और मुझे बाल भी कर वगैरह करने थे बट नहीं हो पाया और पॉसिबल अभी है नहीं क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है तो इसलिए आप लोगों के वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं वीडियो को एंड कर दी बट मैंने सोचा कि मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ क्या, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी इसका पार्ट टू भी आएगा मतलब सेकंड वाला इसका जो मेकअप लुक है ना वो भी मैं बहुत जल्दी डाल डालूँगी तो वीडियो कैसा लगा बता वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलती हूँ आप लोग सकता नेक्स्ट वीडियो में